हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट वन लेके आई हूँ, और ये पार्ट वन क्लास टेंथ की जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसका चैप्टर मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया है। ये चैप्टर के इजी नोट्स हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं बहुत, और सपोर्ट मटेरियल से हैं, और बहुत ही आसानी से आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। ये पार्ट वन है और आगे के पार्ट्स मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको कोई और चैप्टर देखना है तो मैंने सारे चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से आपके अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही मैं चैप्टर के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करती हूँ, तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट और सारे पॉइंट्स वैसे इम्पोर्टेंट हैं, और हिस्ट्री है तो फिर ज़्यादातर डेट्स ही होंगी, तो डेट्स ज़्यादातर दे रखी हैं। सन 1448 में गुटेबर्ग ने बाइबल को छापा, तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे गुटेबर्ग ने बाइबल को कब छापा, 1448 में। इरेसमस ने 1508 में इरेसमस ने एडेजेज पुस्तक छापी। एडेजेज क्वेश्चन आ जाए जैसे एडेजेज पुस्तक कब छापी और किसने छापी, इरेसमस ने छापी और 1508 में छापी। सन 1517 में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार पर 95 थीसिस लिखी थी। किसके धर्म के सुधार पर किसने लिखी थी, मार्टिन लूथर ने 1517 में लिखी थी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट का संपादक शुरू किया था। सन 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कंट्रोल बिल पास किया था। ये सारे याद करने वाले, कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। और 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी छापी, ये भी एक पुस्तक ही थी। 1822 में गुजराती समाचार पत्र मुंबई में छापा गया। पांडुलिपियाँ ये हस्तलिखित लेख होते हैं, इन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता है, और इन्हें ये क्वेश्चन आ सकता है, और इस बार आया भी था, मैंने देखे थे क्वेश्चंस पेपर, तो इस बार आया था ये एसएसटी के एग्जाम्स में। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है, तो ताड़ के पत्तों पर। सुलेखन हाथ से बने सुंदर सुडौल अक्षरों में कलात्मक रूप से लिखना खुशन विसी कहलाता है, मतलब कि बहुत हाथ से लिखना और बहुत अच्छे अक्षरों में लिखना, तो खुशन विसी कहलाता है। डायमंड सूत्र क्या है, 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक। जापान में 868 में एक पुस्तक छपी थी और वो सबसे पुरानी पुस्तक है, उसको ही डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है। वेलम जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह है। वेलम किसे कहते हैं, आ जाए क्वेश्चन, तो वेलम होता है जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को हम वेलम कहते हैं। पलाटेन क्या होता है, लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है, उसे पलाटेन कहते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, कुछ शुद्ध हिंदी में नहीं, इसलिए आपको समझ आ रहा होगा आई होप। और ये 14 पॉइंट देखते हैं, कंपोजिटर छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति, जो इबादत करता है वो व्यक्ति, और छपाई के लिए तो उसको कंपोजिटर कहते हैं। गैली किसे कहते हैं, धातुई फ्रेम को हम गैली कहते हैं, जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है, ये इबारत लिखा है, इबारत बनाई जाती है। गाथा किसे कहते हैं, गीत को हम गाथा भी कहते हैं। लोकगीतों का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है तो उसे हम गाथा कहते हैं, गीत होता है एक तरह का। इंक्विजिशन कहते हैं, धर्म की अदालत को इंक्विजिशन कहते हैं। विधर्मी कहते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता, विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था इंक्विजिशन कहलाती है।
हैं नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है और टोटल 24 पॉइंट्स हैं, 25 हम पार्ट सेकंड में देखेंगे और 25 के आगे भी हैं, तो हम वो पार्ट सेकंड में कवर कर लेंगे। अभी हम 24 तक देखते हैं। चलिए 18 पॉइंट देखते हैं। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को बिना कानूनी और संवैधानिक पाबंदी से संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है और समझ आ रहा होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है या और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी वीडियो बना दूंगी। चलिए, उलेमा क्या होता है? इस्लामी कानून और शारिया के विद्वान उलेमा कहलाते हैं। कानून था इस्लामी कानून से उलेमा कहते हैं। और फतवा किसे कहते हैं? असंजस की स्थिति में इस्लामी मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा फतवा कहलाती है। मतलब जैसे जो मुस्लिम्स होंगे उनको पता भी होगा कि कोई मुफ्ती होते हैं मस्जिद में, तो मुसलमान में एक मुफ्ती होते हैं मस्जिद में होते हैं, तो उनके द्वारा कोई घोषणा कर दी जाती है कि उन्होंने ये बात कह दी, तो उसको मतलब कह देते हैं कि उन्होंने फतवा दे दिया। पंचांग किसे कहते हैं? चांद सूरज की गति और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। ये क्वेश्चन आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, ये एक एक्ट था। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मार्को पोलो 1295 में चीन से अपने हाथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी अपने साथ लाया था। कौन लाया था? मार्को पोलो, और 1295 में लाया था और चीन से लाया था वो, चीन से अपने हाथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी अपने साथ लाया था। मुर्दन तकनीक चीन जापान और कोरिया में विकसित की गई थी। ये मुर्दन तकनीक थी, तो ये कहाँ विकसित की गई थी? चीन में, जापान में और कोरिया में। चीन परीक्षाओं के माध्यम से, नेक्स्ट पॉइंट है, चीन परीक्षाओं के माध्यम से नौकरशाहों की भर्ती करता था। इस कारण से चीन में बहुत बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तक छपती थी। क्यों छपती थी? क्योंकि चीन परीक्षाओं के माध्यम से नौकरशाहों की भर्ती करता था, इसी कारण चीन में बहुत बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तक छपती थी। अब देखते हैं 25 पॉइंट और इसके आगे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकेंड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है या और एक्सप्लेन करवानी है तो आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।